आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। उम्मीदवारों के नामों पर होगी फाइनल चर्चा, सीएम योगी समेत प्रदेश के कई नेता होंगे शामिल। बूस्टर डोज लगवाने का आज दूसरा दिन, पहले दिन लगी करीब 10 लाख बूस्टर डोज। कोरोना वायरस पर केंद्र सरकार का अलर्ट, अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में हो सकता है इजाफा। कोरोना की तेज रफ्तार, दो हफ्ते में 9 गुना बढ़े एक्टिव केस, दिल्ली में 19,166, महाराष्ट्र में 33,470 नए मामले। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बढ़ते संक्रमण को लेकर दिशा निर्देश जारी करते हुए वैक्सीनेशन करवाने की अपील की है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश कोरोना के खिलाफ अपना जीवन और जीविका को बचाने के लिए लड़ रहा है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और प्रधानमंत्री ने सबको फ्री में वैक्सीन लगवाई है, पर अभी भी एक संख्या है जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है, और क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, प्रदेश की जनता जनार्दन ने प्रदेश के समग्र विकास और सुरक्षा में पिछले 5 वर्ष के दौरान निरंतर अपना सकारात्मक योगदान हमें दिया है। 5 वर्ष का हमारे साथ सरकार का यह कार्यकाल सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इस दौरान पिछले 20-22 महीनों से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से भी जूझ रही है। भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरा देश कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई, प्रत्येक नागरिक के जीवन और जीविका को बचाने के लिए लड़ रहा है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, हर गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए फ्री में अन्न योजना, और प्रधानमंत्री जी ने सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था भी की है। मेरी आप सभी प्रदेशवासियों से अपील है कि अभी भी एक संख्या है जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है। मेरी आप सबसे अपील होगी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई ये देश की लड़ाई है। हर एक व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य है, और इस बहुमूल्य जीवन के लिए कोरोना का वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है। इस महामारी का तीसरा वेरिएंट भी आ चुका है, घबराने की आवश्यकता नहीं। सतर्कता और सावधानी हमें इस महामारी से बचाने में बहुत सहायक होगी। मेरी आप सबसे अपील है। खबर मथुरा से है, जहां विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में चुनाव प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक कर आश्वासन दिया गया, साथ ही दिशा निर्देश भी दिए गए आवश्यक। जिलाधिकारी ने कहा कि इलेक्शन की ड्यूटी और आपदा की ड्यूटी में एक अधिकारी की सत्य, एक निष्ठा को पहचाना जाता है। मुझे जनपद के सभी अधिकारियों से उम्मीद है कि आप अपने दायित्व को सत्य और निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे और मथुरा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल संपन्न कराएंगे।
बुंदेलखंड में दैवीय आपदा किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी है। यहां बीते 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं, जिसको लेकर पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत ने प्रेस वार्ता कर चुनाव आयोग से किसानों को राहत दिए जाने की मांग उठाई है। साथ ही बीमा क्लेम की समस्या समय अवधि बढ़ाने को लेकर भी केंद्र कृषि मंत्री और फसल बीमा डायरेक्टर को पत्र लिखकर किसानों को राहत दिलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बीमा की राशि किसानों को समय से मिले ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। उनका कहना है कि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार किसानों को मुआवजा नहीं दे सकती, इसलिए मैं चुनाव आयोग से भी मांग करता हूं कि दैवीय आपदा की चपेट में आए किसानों की फौरी राहत के लिए मुआवजा देकर तत्कालिक मदद की जाए। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया, उन्होंने तत्काल स्वयं भ्रमण किया, अपनी पूरी राजस्व की टीम लगा दी है, सारे लेखपाल एसडीएम तहसीलदार कानून को गांव-गांव सब सर्वे कर रहे हैं। बीमा कंपनी वालों को भी मैंने बुलाकर कहा कि आप भी अपना सर्वे करिए और जल्दी से जल्दी किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, रिपोर्ट शासन को जाना चाहिए। चुनाव आयोग से मैं मांग करता हूं, क्योंकि अब चुनाव डिक्लेयर हो गया, आचार संहिता लग गई है, और माननीय मुख्य चुनाव आयोग से निवेदन है मेरा कि बुंदेलखंड के किसानों को फौरी तौर पर तुरंत राहत प्रदान करने का आदेश प्रदान करें। जो जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया जाए कि जहां जो नुकसान हुआ है जिस लेवल पर, उस लेवल पर किसानों को तत्काल मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया जाए। देखिए, मैं भारत सरकार को पत्र लिख रहा हूं, मानी जो योजना के अनुसार से किसान के जो अभी ओलावृष्टि जल भराव हुए हैं उनका जो है विगत जो है 2 दिन से लगातार फोन आ रहे हैं और उनका टोल फ्री नंबर पे हमारे जो है शिकायत दर्ज की जा रही है। तो शिकायत दर्ज करने का एक समय अवधि निर्धारित की गई है, 3 दिन का समय है। उसके ऊपर जो है जो सभी किसान 3 दिन के अंदर जो रजिस्टर्ड हो जाएंगे टोल फ्री नंबर पे, फिर उसके बाद जो है उनकी एक लिस्ट आएगी जिले में, उनका जिले में उसके आधार पे जो है उनके व्यक्तिगत खेत पे जाके उनका जो है सर्वे किया जाएगा। और अभी तक जो है 5,000 से ऊपर किसान का जो है शिकायत आ चुकी है टोल फ्री नंबर पे, और उनका जो है 3 दिन की अवधि के अनुसार से जो है जब समय सीमा समाप्त हो जाएगी उसके बाद जो है सर्वे हमारा जो है शुरू कर दिया जाएगा। उसका 10 से 12 दिन के अंदर जो है सर्वे खत्म कर दिया जाएगा किसानों के खेत में जाके व्यक्तिगत जो है। रायबरेली जिले के लालगंज के फतेहपुर रोड स्थित कल्लू का पुरवा मजरे कोरीहरा गांव के निवासियों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ने वाले रास्ते पर रोड नहीं तो वोट नहीं कहा बैनर लगा दिया है। बीते रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण युवकों ने रास्ते पर खड़े होकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ने वाला करीब 1 किलोमीटर का रास्ता बेहद खराब है, अक्सर लोग इन्हीं से गिरकर चोटिल होते हैं। 3 दिन से हो रही लगातार बारिश से रास्ते पर कीचड़ के कारण आवागमन मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने कहा जब तक रोड का निर्माण नहीं होगा तब तक गांव में किसी भी नेता को आने की पाबंदी लगा दी है। इन समस्या पर गांव निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरेंद्र कुमार, पिंटू यादव, आशीष यादव, मलखान मेवालाल ने तमाम लोगों के साथ मिलकर एसडीएम को सूचना पत्र दिया है। हमारे गांव का रास्ता बहुत खराब है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। प्रधान जी को फोन किया, प्रधान जी फोन भी नहीं उठाते हैं और उसके लिए कुछ वो नहीं कर रहे हैं। प्रधान जी का नाम क्या है? प्रधान जी का अमरनाथ यादव नाम है। अमरनाथ यादव जी, इसको गत वर्षों से काफ़ी दिनों से दिक्कत है आने जाने में, पैदल जाने में, गाड़ियों आने जाने में काफ़ी दिक्कत है। आने जाने में इतनी दिक्कत है कि पैदल भी चलना मुश्किल है। इसको किसी के बारे में सूचित कराया गया है? इसको प्रधान को सूचित कराया गया है और इसको लेटर पैड में लिख के एसडीएम को देने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और इसका सोल्यूशन निकाला जाए। तो इस पर कोई सूचना निकली, मतलब कि कोई इस पर कार्रवाई आगे की गई? अभी तो कोई नहीं कार्रवाई की गई है, कार्रवाई करने के लिए हम लोग सब कर रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इस रास्ते को जल्दी से बनवाया जाए। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, प्रधान जी इसका कुछ भी नहीं सुन रहे, कहने करने के लिए तैयार ही नहीं है। बांदा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां के शहर कोतवाली अंतर्गत खाई पार मोहल्ले में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने पुलिस के साथ छापेमारी कर अवैध रूप से रखी दवाइयों का जखीरा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि बिना लाइसेंस के अवैध रूप से आरोपी दवाओं का व्यापार कर रहा था, तो वहीं दवाओं को जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेजा जाएगा।
बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को, जहां ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस के साथ छापेमारी की गई और इस छापेमारी के बाद दवाइयों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया और लाइसेंस बिना लाइसेंस के अवैध रूप से आरोपी दवाइयों का व्यापार कर रहा था, इस बात की जानकारी भी सामने आई है और दवाइयों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। खबर फरीदाबाद से है, जहां 22 वर्षीय युवती की हत्या में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। फरीदाबाद पुलिस ने हत्या के मामले में एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि व्यक्ति पर आरोप है कि 1986 से लगातार वो हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहा है। पुलिस के मुताबिक 54 साल का आरोपी सिंहराज सिटी हॉस्पिटल में गार्ड की नौकरी करता था। आरोपी ने 31 दिसंबर को एक लड़की के साथ पहले छेड़छाड़ की कोशिश की और जब उसने विरोध किया तो गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी उसका मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि उसने न केवल 31 दिसंबर को लड़की की हत्या की बल्कि इससे पहले भी उसने कई वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस अभी आरोपी से और पूछताछ में जुटी है, जिसने अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके। 31 दिसंबर को एक रिया नाम की लड़की थी जो कि अपने शॉपिंग करने के लिए आई थी ओल्ड फरीदाबाद में। वो फिर शॉपिंग करके अपने भूपानी गांव में जाना चाहती थी, तो भूपानी ना जाके वो सिंह राम नाम का एक व्यक्ति जिसकी एज 55 साल है, रिश्ते में इसका चाचा लगता था, वो उसके चाचा के पास चली गई, जो इस चाचा ने एक दो दिन इसको रखा लड़की को और इसके साथ गलत काम करके आगरा कैनाल में इसको फेंक दिया। फिर इसकी डेड बॉडी 3 दिन के बाद बरामद हुई और उस पर 302 की FIR दर्ज की गई और फिर इसको हमारी CIA की टीम 30 को ये श्री विकास अरोड़ा जी पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद ने नियुक्त किया और जिस पर अनिल इंस्पेक्टर ने इस पर तत्पर कार्रवाई करते हुए सिंहराज को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इसने अपना जो जुर्म था वो कबूल किया और इसकी निशानदेही कराई गई। इसके उपरांत इसने और सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ। कानपुर देहात में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार किशोर को रौंद दिया। घटना में एक किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और दूसरा किशोर घायल हो गया, जिसको लेकर गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर मार्ग को जाम किया गया। दूसरी तरफ SDM ने परिजनों और ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया, तो वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर को सीज करते हुए चालक को हिरासत में ले लिया है। साथ ही को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। ये घटना है, ये ट्रैक्टर आगे जा रहा था, हम साइड मांग रहे थे, पीछे ओमनी वाला था, उसके पीछे हम चले तो ओमनी वाले ने साइड दी, हम आगे आए। आगे आने के बाद इसने मुझे साइड दी थोड़ी, तो हम लोगों ने गाड़ी आगे बढ़ाई। जब बीच में गाड़ी ट्रैक्टर के आ गई तो इसने फिर उस तरफ दाब ली और दाबने के बाद क्या किया, गाड़ी एकदम उसने साइड में ली और साइड में रपटना था और रपट गई गाड़ी और वो उस तरफ गिरा, उसकी मौत हो गई थी। आप चढ़ के ट्रैक्टर और हम उस तरफ गिरे, हमें ये लगी है। राजपुर से सिलहोरा जाने वाले मार्ग पर सिंगल रोड थी, उस पर एक ट्रैक्टर उधर से सिलहोरा साइड से आ रहा था जो कुछ भट्ठे से ईंटें वगैरह लेके आ रहा था। इधर से दो बच्चे सिलहोरा गांव के एक साथ मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, शायद गैस सिलेंडर लेने आए हों सुबह, वो गैस सिलेंडर भी उनके साथ में था। आपस में आमने सामने से भिड़ंत हो गई और वहीं पे ऑन स्पॉट उसने दम तोड़ दिया। ये मिस्टर कुलदीप बिश्नोई हैं और सिलोरा गांव के, उनका बेटा था, करीब 16-17 साल का रहा हुआ, उसकी मौके पे ही डेथ हो गई। तो उसमें जो PM करा के जो उचित कार्रवाई होगी वो बिल्कुल कराई जाएगी। अभी ट्रैक्टर का ड्राइवर हमारे पोजिशन में है, मेरे पास यहीं थाने पे लाया गया है और ट्रैक्टर सीज करा दिया गया है।
कासगंज जनपद की ढोलना थाना इलाके में प्रसव की मरीज को लेकर आ रही सरकारी एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई, जिससे एम्बुलेंस और मरीज के तीमारदारों में हड़कंप मच गया। एम्बुलेंस में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट जाने से एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए, आसपास के खेतों में पहुंच गए और जिससे अफरा तफरी मच गई। हालांकि EMT और चालक की सूझबूझ के चलते मरीज और तीमारदार की जान बच गई। इस मामले की जानकारी मिलते ही अन्य एम्बुलेंस कर्मी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। एम्बुलेंस में EMT और चालक सहित 7 लोग सवार थे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये अचानक गाड़ी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से डैशबोर्ड में अंदर से अचानक आग लगी। हमने EMT और पायलट दोनों ने भरकस प्रयास कोशिश की, आग को बुझाने में नाकाम रहे और उसमें नंगला थनी कुमरपुर गांव का एक डिलीवरी पेशेंट था, उसे हमने फिर जल्दी आनन फानन में निर्णय लेकर के जल्दी उनको उतारा। उतारने के बाद में उनको सुरक्षित अलग किया और गाड़ी में आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें हम EMT पायलट दोनों ही असमर्थ। खबर सुल्तानपुर से है, जहां जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बैंक में पैसा जमा करने गए युवक से अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने दिन दहाड़े असलहे की नोक पर 50,000 की नकदी सहित 2 मोबाइल लूटकर अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सिद्धार्थनगर जिले की SOG सर्विलांस और मिश्रौलिया थाने के पुलिस ने 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये 5 अभियुक्त जिले में हुई अपहरण के साथ कई अन्य घटनाओं में वांछित हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 देसी तमंचा, विभिन्न घटनाओं में प्रयुक्त बुलेरो जीप और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस की इस कामयाबी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस कप्तान यशवीर सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के गुलहरिया मार्ग से उस वक्त पकड़ा गया जब किसी और घटना को अंजाम देने की साजिश कर रहे थे। पुलिस कप्तान ने बताया कि पकड़े गए 5 अभियुक्त अभी नई उम्र के हैं और वो अपराध की दुनिया में कदम रख रहे थे। जनपद पुलिस की इस कामयाबी पर उन्हें 20,000 रुपए पुरस्कार दिया गया है और 5 अभियुक्तों को पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। साथ ही उनके एक और साथी की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस को जानकारी मिली थी, अपने जो सूत्रों से जानकारी मिली थी, ये पता चला था कि दोनों में जो लड़के हैं जो घटना करने वाले हैं वो सेम हैं, तो इसमें टीम लगी हुई थी और SOG सर्विलांस ने सर्विलांस की मदद से और मुखबिर की सूचना पे 5 लड़कों को गिरफ्तार किया है और इनमें से एक जो अभिवांछित है वो थाने का हिस्ट्री शीटर भी है, बड़का नाम का, उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं। इन लोगों का भी खंगाला जा रहा है। जो घटना में प्रयुक्त, जो अपहरण की घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी थी और इससे पूर्व जो राजन सोनी के साथ मारपीट की घटना में जो प्रयुक्त स्प्लेंडर गाड़ी थी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।